सुख समृद्धि विज्ञान चैनल देखने वाले हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरिओम। आप सभी लोगों को बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल एक नए आयामों को छूने के लिए तैयार है और इस चैनल में जो भी लोग अपना सहयोग करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक ऐसा कार्य करेंगे जो कि कालजयी कार्य होगा। वैसे तो हर क्षेत्र में व्यक्ति को अलग अलग स्पेशलिस्टों की आवश्यकता होती है, परंतु सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में जो कुछ भी आपको बताया और सिखाया जाता है वह अपने आप में अद्वितीय है। जीवन के लगभग कई पक्षों को हमने इस माध्यम से सुना हुआ है और उस पर अगर आप अमल करते हैं तो वह कार्य आपके अपने आप होने लगते हैं। अब वो चाहे आपके स्वास्थ्य संबंधी विषय का कोई काम हो या आप करना चाहते हैं कोई साधना या सीखना चाहते हैं योग या फिर आप रसायन शास्त्र में कुछ रुचि रखते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं कीमिया, तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल से अच्छा प्लेटफार्म आपको शायद ही कहीं मिले। मैं बताना चाहूँगा कि जब से हमने सुख समृद्धि विज्ञान चैनल पर हमारे स्वर्ण विज्ञान के और भारत विज्ञान के वीडियो डाले हैं काफ़ी इसके रुझान प्राप्त हुए हैं और आने वाले समय में इनमें से बहुत सारे लोग सफल होकर के निकलेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने साधनाओं में रुचि ली है और साधनाओं को उन्होंने प्राप्त करके उनको सिद्ध करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। काफ़ी लोग तो सफल हो गए हैं, कुछ लोग सफलता की राह पर हैं और कुछ लोग सफल होने के बिल्कुल करीब पे। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी कार्य को करते हैं तो ये इस बात की गारंटी होती है कि आपका काम सफल होना ही है, क्योंकि आप ऐसी जगह से ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो कि अपने आप में बिल्कुल अलग किस्म का प्लेटफार्म है। आप ढेर सारी जगहों पर जाते हैं, आप असफल होकर लौटते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद असफलता आपसे कोसों दूर भागती है। कारण यह है कि हमें इस बात का भान रहता है, इस बात का हमको हमेशा ध्यान रहता है कि आप सफल होंगे तो ही यह चैनल की सफलता होगी। अगर आप सफल नहीं हुए तो चैनल की सफलता किस बात की। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ एक ऐसी चीज़ें भी संकलित की हैं जिसको हमने आर्ट ऑफ सक्सेस का नाम दिया है। इस आर्ट ऑफ सक्सेस के माध्यम से आप बिना साधना किए भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि साधना वाले ही लोग सफल हों। हाँ, ये सक्सेस मेथड या आर्ट ऑफ सक्सेस एक ऐसी विद्या है जो साधना नहीं है तो भी साधना से कम नहीं है, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि संसार में कुछ भी बिना प्रयास के अनायास ही प्राप्त नहीं हो जाता, और यदि अनायास प्राप्त हो जाता है तो यह आपके पूर्व जन्मों के कृत्यों के फलस्वरूप होता है जिससे कि आपको सफलता मिल जाती है। परंतु हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति को अपने हिस्से की मेहनत तो करनी ही पड़ती है, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का कार्य तो करना ही पड़ता है, और जब वो करता है तो कभी कभी अपने पूर्ववर्ती लोगों से वो ज़्यादा सफल हो जाता है, ज़्यादा आगे निकल जाता है और उसका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में
आप भी अपना पंजीकरण करवा के, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के या प्रेड ग्रुप में शामिल हो करके साधनात्मक ज्ञान को प्राप्त करेंगे या फिर आप कीमिया के ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम एक कदम बढ़ाएंगे। आप अपनी जगह पर बैठे रहेंगे तो हम भी अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे। दोनों के मिलने का एक ही माध्यम है कि आप कदम आगे बढ़ाएंगे, और आपका कदम बढ़ाना यह एक नए युग का संकेत होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आवे, इस बात के लिए यह चैनल हमेशा से ही प्रयासरत रहा है। और जो लोग इस क्षेत्र में आए हैं तो मेरी दृष्टि में तो ये कि कोई खाली हाथ यहाँ से जाता नहीं। आप सभी के सहयोग का आभार व्यक्त करते हुए मैं यही पुनश्च कहना चाहूँगा कि आप यदि कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं जिससे कि आपके परिवार का भरण पोषण हो सके, आपके परिवार को सामाजिक मान्यता मिल सके, क्योंकि देखिए कमाते खाते तो सभी लोग हैं, रोजी रोटी तो बहुत सारे लोग सभी लोग चलाते हैं, किसी भी प्रकार से चला लेंगे। लेकिन अगर एक विशिष्ट पद्धति के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो समाज में नाम भी होगा और समाज में आदर सत्कार भी आपका बढ़ेगा। यहीं से शुरू होगी आपके जीवन की नई एक विधा। इस नई विधा में आप देखेंगे कि जो पहले आप काम करते थे वह काम आपके कदाचित सफल ना होते रहे हों, बहुत प्रयास करने के बाद भी सफल ना होते हों, परंतु जब इन साधनाओं को आप आजमाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आजमाने की बात क्योंकि लोग आजमाने के ही उद्देश्य से आते हैं, पहले आजमाने के उद्देश्य से आते हैं, बाद में वो फिर नैष्ठिक साधक बन जाते हैं, निष्ठावान साधक बन जाते हैं। क्योंकि जब तक किसी को कोई चमत्कार नहीं दिखता, जब तक किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, तो वो व्यक्ति भीतर से संकित रहता है, और अगर वो व्यक्ति भीतर से संकित है तो साधना क्या करेगा, सफलता क्या प्राप्त करेगा। आज मैं ऐसी जगह पर बैठ कर की वीडियो बना रहा हूँ कि आपको लोकेशन चेंज दिखेगी, पीछे से गाड़ियों की आवाजाही दिखेगी। इसका विचार मेरे मन में यूँ आया कि एक चैनल है वो ऐसे आउटडोर शूटिंग करता है और वो बहुत अच्छी लोकेशन या कहीं पर भी करते हैं, तो उससे मैं समझता हूँ मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब वहाँ से आवाजाही होती है वाहनों की या लोग निकलते देखते हैं और वो पब्लिक प्लेस सा मालूम होता है। तो ये सामने हाईवे है पीछे हमारे, और ये हमारे घर की चार दीवारी है जिसमें हम बैठे हैं नीचे बाहर। और बताना कैसा लोकेशन लगा ये, मुझे तो लगता है कि आपकी लोकेशन अच्छा लगना चाहिए और आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। खैर, जैसे हो, जिस प्रकार से हो, साधनात्मक मार्ग को अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार से यदि जीवन में आपको कुछ विशिष्ट प्राप्त करना है तो विशिष्ट त्याग भी आपको करना पड़ता है, तभी वो विशिष्टता हासिल होती है। और एक बार वो विशिष्टता हासिल होने के पश्चात फिर जीवन में कभी पीछे मुड़ करके देखने का समय नहीं आता, क्योंकि आप सफल हो चुके होते हैं। पर एक बार तो खुद को दांव पे लगाना ही होता है। साधना पथ कोई साधारण मार्ग नहीं है, कोई छोटा मार्ग नहीं है, कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है। साधना मार्ग में मेहनत तो करनी पड़ती है, पर वहाँ जो कुछ भी मेहनत होती है वह मेहनत हमारे जीवन को सर्वतोमुखी बनाती है, हमारे जीवन को सर्वांग सुंदर बनाती है, हमारे जीवन को सर्व अभिलाषा पूर्ण बनाती है। मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से अगर आप आगे बढ़ते हैं
तो यह सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर भाग्य में भी कोई बात नहीं लिखी है और साधक साधना करता है तो वो भाग्य को भी पलटने की क्षमता रखती है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता एक साधना में ही प्राप्त होती है और कहीं नहीं। और गीता में भी भगवान ने कहा है तस्मात् योगी भव अर्जुना, यानी कि हे अर्जुन तू योगी बन। साधना भी एक प्रकार का योग ही है, वो एक योग योग होता है, एक योग साधना मार्ग का योग होता है और साधक एक प्रकार से योगी ही माना जाता है। मंत्र योग के द्वारा भी अगर कोई साधना करता है तो वो भी एक योग का ही नवीनतम एक रूप होता है। और साधना कोई आप नए नहीं कर रहे हैं, साधना प्राचीन काल से होती रही है, जब से सृष्टि का उद्गम हुआ है तब से साधनाएं हुई हैं। देवता साधना करते थे, राक्षस साधना करते थे, मुनि साधना करते थे, साधारण गृहस्थ साधना करते थे, महिलाएं साधना करती थी, पुरुष साधना करते थे, बालक भी ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालक भी साधना करते थे। और जैसे ये आता है वर्णन की महाभारत के युद्ध में, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जी थे उन्होंने गर्भ में ही शिक्षा ग्रहण कर ली थी, तो यह विधा आज भी आप कर सकते हैं। आप अपने बालक को गर्भ में शिक्षित कर सकते हैं और जैसा आप उसको बनाना चाहते हैं वैसा उसको बना सकते हैं। यानी कि आप ये आप सोचते हैं आपके अभी पुत्र नहीं हुआ है, अभी पेट में बच्चा नहीं आया है, आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल कर के कुशल डॉक्टर बने, तो वो आप उसको गर्भ में अगर प्रशिक्षित करते हैं तो आगे बढ़ कर के वो कुशल डॉक्टर बनेगा। आप उसको वकील बनाना चाहते हैं तो वकील बनेगा। आप उसको राजनीतिज्ञ बनाना चाहते हैं तो वो कुशल राजनीतिज्ञ अपने जीवन में बन करके आपको दिखाएगा। यह विधा आज भी है, पर इसका लाभ कौन कौन लेना चाहता है? जो लाभ लेना चाहते हैं उनको उसका लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि उस दिशा में कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आयु बढ़ाने के लिए, शरीर को निरोग करने के लिए, किसी प्रकार के रोग को निर्मूल करने के लिए, अगर दुर्भाग्य बैठ गया है बिल्कुल जम करके, तो उसको वहाँ से निकाल करके भगाने के लिए आप क्या करेंगे? साधना करेंगे। और जब साधना करेंगे उसके माध्यम से भाग्य में परिवर्तन आता ही है। कई बार कह चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के काटत कठिन कुंक भाल के, मंत्र जो हैं वो भाल के कुंकों को भी काटने में समर्थ हैं, क्योंकि यह दिव्य शक्ति है जो कि ब्रह्मांडी ऊर्जा के माध्यम से परिलक्षित होती है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके जो कॉस्मिक ऊर्जा है आपकी, उसमें जो आपके अंदर भीतर की एनर्जी है उसमें सम्मिलित होकर के दिव्य फल का निर्माण करती है, जिस फल से आप लाभान्वित हो जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे एक ऐसी स्थिति के लिए जहाँ पर न राग है, न द्वेष है, न असफलता है, न कुढ़न है, न हीनता की भावना है, न ही पराजय की भावना है, न ही हारने का डर है, क्योंकि आपको जीतना है, आपको जीतना है, आपको निश्चित रूप से जीतना है। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सब्सक्राइबर बने, ज्वाइन करें इसको।
और हमारी गतिविधियों में शामिल हो करके राष्ट्र का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को उन्नतोमुखी बनाएंगे। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।